الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मेरे नहायत ही वाजिब उल एहतराम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज हम सूरह हश्र का दूसरा रुकू की तर्जमा और तफसीर जो है वो करेंगे। पहले इसके अफाल देखते हैं जो उनके मानी क्या है, फिर असमा देखते हैं, फिर तर्जमे की तरफ आते हैं। लम तरा ना देखा, यू डू नॉट सी, यू डू नॉट सी। ना पकू, ना पकू मुनाफिक हुए, मुनाफिक हुए। मुनाफिक हुए बट हाइपोक्राइट्स यकूनून कहते हैं, सेइंग यकूलूना कहते हैं। एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूं, लम तरा ना देखा तुमने, यू डू नॉट सी, ना पकू मुनाफिक हुए, मुनाफिक हुए या मुनाफिक हुए बार हाइपोक्राइट्स यकूलून कहते हैं, सेइंग उखरिज तुम निकालेगे, यू आर एक्सपेल्ड, ला नखरुजन्ना जरूर हम तुम्हारे साथ निकल जाएंगे, जरूर हम निकल जाएंगे, जरूर हम निकल जाएंगे। ये तुम्हारे का तर्जमा नहीं है, जरूर हम निकल जाएंगे। ये लाम और नून ताकीद के लिए आता है, श्योरली वी विल लीव। इसके बाद है ला नोती ओ ना मानेंगे, ना मानेंगे हम, नून है इसमें हम का मीनिंग आता है, वी विल नॉट ओबे, तू तिल तुम से लड़ाई हुई या तुम से लड़ाई की गई, यू आर फॉट, ला नंसुरन नकुम हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, सर्टेनली वी विल हेल्प यू, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। यशहदू गवाह है, गवाही देता है या क्या, गवाह बनता है, गवाह बनता है, गवाही देता है, ये मीनिंग होगा, गवाह बनता है या गवाही देता है वो, और साथ वो आ जाएगा। बियर्स विटनेस ला यफ्ताहून वो ना समझ लोग हैं,
जब कहूं ना समझने वाले, ला नहीं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, ला यू कैट लोन, ना लड़ेंगे वो, दे विल नॉट फाइट, तहसबू समझोगे, यू थिंक, तहसबू समझोगे, समझ गए, यू थिंक, राकू चखा उन्होंने, दे टेस्टेड, चखा उन्होंने, शाउकफुर कुफ्र कर तुम, कुफ्र कर, बी बिलीव कुफ्र कर, और यहां क्या आएगा, तू या तुम। इसके बाद है अखाफू, मैं डरता हूं, आई फियर, मैं डरता हूं, आई फियर, फियर। या नेक्स्ट है उखरी जो, वो निकाले गए, दे आर एक्सपेल्ड, ला युवर लुन्ना, जरूर भागेंगे वो, सर्टेनली दे विल टर्न, भागेंगे यानी वहां से चले जाएंगे, टर्न करेंगे वो। इसके बाद जो आसमा है, काजिबून झूठे लोग, लायर्स होते हैं, अशद्दु ज्यादा, अशद्दु ज्यादा, ये ते नहीं आगे, ज्यादा शदीद किसी भी चीज में, मोर इंटेंस, जो भी चीज है उसमें जब शिद्दत आ जाए तो अरब वाले उसको अशद्दु बोलते हैं। रहबतन डर, फियर। कुरान शहर, शहरों के लिए आता है, जमा है टाउन्स। मुहसनतन या मुहसनतिन, किला, किला बंद, फोर्टिफाइड, यानी ऐसी चीज, ऐसा शहर जिसको हर तरफ से महफूज कर लिया गया हो, उसे कहते हैं कुरान मुहसनतन, मुहसना जिसको किला बना दिया गया हो। वरा पीछे, बिहाइंड, जुदुरिन दीवारें, वाल्स, बासु आंच, वायलेंस लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब जो है आपस में लड़ाई की जाए उसे भी कहते हैं बासु, शदीद लड़ाई। अच्छा, इसके बाद है शत्ता, अलग अलग, डिवाइडेड, बरी उन, अलग होना, डिसोसिएटेड, आकेबा का अंजाम, एंड। इस तरह ये अस्मा थे जो हमने इसमें सीखे। तो अब हम जो आते हैं इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ, देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, ये हमने लफ्जी एतबार से देखा, अब मुहावरा तर्जमा इसका देखते हैं क्या बनता है। तो दूसरा रुकू इसका बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलम तरा, क्या ना देखा तुमने, इलल्लज़ीना नाफ़कू, उन लोगों की तरफ जिन्होंने, जो मुनाफिक हुए, अल्लज़ीना नाफ़कू, मुनाफिकीन की तरफ, क्या मुनाफिकीन को नहीं देखा, देखने से क्या मुराद है कि उनके अमाल, उनके करतूत, उनके काम, उनके कामों की तरफ। इसमें कौन है, अब्दुल्ला बिन उबई, वो है मुनाफिक और उसके रफीकों की तरफ यह इशारा है, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके बाकी शरीक। यकूनूना, कहते हैं वो, लिया खवानीहिम, अपने भाइयों से,
अल्लज़ीना कफरू जिन्होंने कुफर किया, यानी किताबी ये ईमान ले आए थे क्योंकि इनके दिल में जो है कुफर था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये मुनाफिक हैं। और दूसरे वो यहूद थे, अहले किताब थे, जो क्या अभी तक इस्लाम नहीं लाए और वो क्या जाहिरन और हर एतबार से काफिर थे, उनसे ये कहते थे, यानी बनी कुरैज़ा और बनू नुदैर वालों से, मिन आलिल किताब, आले किताब में से, लाइन उखरिज तुम, अलबत्ता अगर निकाले गए तुम, यानी मुसलमानों ने अगर तुम्हें यहां से निकाला, तो ला नखरुजन्ना माअकुम, तो जरूर हम भी निकलेंगे तुम्हारे साथ, यानी हम भी निकल के तुम्हारे साथ ही जाएंगे, वला नुतीउ फीकुम अहदन अबदा, वला और नहीं नुतीउ हम मानेंगे इताअत करेंगे, फीकुम तुम्हारे बारे में अहदन किसी एक की, अबदा कभी भी नहीं, हम हरगिज तुम्हारे बारे में किसी की बात नहीं मानेंगे, यानी तुम्हारे खिलाफ किसी का कहा ना मानेंगे, ना मुसलमानों का ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐसा उन्होंने दिया मुनाफिकों ने दूसरे अहले किताब काफिरों से कहा। फिर क्या कहा, वैन कुतिल तुम, और अगर तुमसे लड़ाई की गई, ला नंसुरन न तुम, तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, वल्लाह और अल्लाह ताला यशहदू गवाह है, इन्नहुम बेशक वो मुनाफिक, लकाज़िबून अलबत्ता झूठे हैं, यानी वो झूठ बोल रहे हैं, यहूद से मुनाफिकीन के ये सब वादे झूठे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला मुनाफिकीन के हाल की खबर अब आगे देता है, उनका क्या हाल है, कि ला इन उखरिजो, और अगर वो निकाले गए, यानी यहूद को वहां से निकाल दिया गया, ला यखरुजून माहुम, तो ये उनके साथ ना निकलेंगे, लाइन उखरी जो, अगर उन्हें निकाला गया, ला यखरुजून माहुम, ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, वला इन कुतिलू, और अगर उनसे लड़ाई हुई, ला यंसुरूनहुम, ये उनकी मदद नहीं करेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि यहूद निकाले गए और मुनाफिकीन उनके साथ ना निकले, और यहूद से मुकाबला हुआ और मुनाफिकीन ने यहूद की मदद ना की, ये उनका एक झूठा वादा था जो उन्होंने उनसे किया था। वाला इन नासा रूहूं, और अगर वो उनकी मदद करते भी तो क्या करते, लायुवल्लुनल अदबार, तो जरूर पीठ फेर देते, फेर देते अलग बारा पीठ, पीठ फेर के भाग जाते, ना यवल्लुना जरूर जरूर भाग जाते, अलग बारा पीठ फेर कर, तो पीठ फेर कर भाग जाते उस मकाम पर, तुम मलायुन सरून, फिर वो मदद ना पाते और कोई मदद उसके बाद वो नहीं पाएंगे। फिर क्या फरमाया उसके बाद, लान तो माशद दूगा हबत, बेशक ए मुसलमानों, आप मुसलमानों से खिताब है, बेशक ए मुसलमानों, ला अंतुम अलबत्ता तुम अशद्दू ज्यादा शदीद हो, रहबतन फी सुदूरहिम रोब के इतबार से उनके दिलों में, मिनल्लाही अल्लाह से, कि ए मुसलमानों तुम्हारे सामने जो था इजारे कुफर से, वो तुम्हारे सामने तो इजारे कुफर से डरते हैं, और ये जानते हुए भी कि अल्लाह ताला दिलों की छुपी बातें जानते हैं, दिल में कुफर रखते हैं, यानी तुम्हारा मुसलमानों का डर उन्हें ज्यादा और अल्लाह का कम है, कि अल्लाह ताला जो वो दिल की बातें जानता है, तो वो दिल में तो कुफर रखते हैं, सामने तुम्हारे इजहार नहीं करते, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे डरते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, कम डरते, तो ला अंतुम अशद्दु रहबतन, अलबत्ता तुम्हारा ज्यादा रोब है, फी सुदूरिहिम उनके दिलों में, मिनल्लाह ही अल्लाह से, ज़ालिका ये जो है, बिअन्नहुम कौमुन, कि बेशक वो ऐसी कौम है, ला यफ़क़हून, जो समझ नहीं रखते, इतने जाहिल है कि अल्लाह ताला की अजमत को तो नहीं जानते, वरना जैसा उससे डरने का हक है वैसा ही डरते।
ला युकातिलूनकुम जमीआ, ये सब ला युकातिलूना नहीं किताल करेंगे वो तुमसे जमीआ इकट्ठे, ये सब मिलकर भी तुमसे ना लड़ेंगे, लड़ नहीं सकते। इल्ला फी कुरम मुहसनातिन, यानी उनके दिल में इतना रोब बैठ चुका है मगर ऐसे शहरों में, मुहसनातन जो किला बंद हो जाए, यानी किला बंद करके ऐसे शहरों में जो वो रहेंगे। आओ में वराई जुदोरिन, या क्या वो दीवार के पीछे से, दीवारें बना लेंगे और उसके पीछे से लड़ेंगे। इतना रोग में तुम्हारा बैठ चुका है कि सारे गड्ढे होके भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। बासुहुम बैनहुम शदीद, और आपस में उनकी जंग सख्त है। बास लड़ाई, जंग, तो बासुहुम उनकी जंग, उनकी लड़ाई आपस में क्या है, बहुत सख्त है। यानी जब वो आपस में लड़े तो बहुत शदीद और कुवत वाले हैं, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में बुजदिल और नामर्द साबित होंगे। तहसबुहुम जमीअन, गुमान करोगे तुम उन्हें इकट्ठा, समझोगे कि वो इकट्ठे हैं। फकुलूबुहुम शत्ता, और उनके दिल अलग अलग हैं। गुमान ये करोगे, सामने ये नजर आता है कि वो इकट्ठे हैं, इत्तेफाक है, लेकिन उनके दिल आपस में जुदा हैं। बैनिक, ये क्या है कि भी अन्ना हूं बेसबाब, इसके वो कौमुन कौम है, ला या किलून, जो अकल नहीं रखते। इसके बाद फिर यहूद की एक मिसाल दी जा रही है, का मसलिल्लज़ीना मिन कब्लिहिम करीबा, का जैसे मसली मिसाल अल्लज़ीना, उन लोगों की, मिन कब्लिहिम जो उनसे पहले थे, करीबा करीब वाले जमाने में, करीब वाले जमाने में जो है वो उनकी जो है वो बात और मिसाल दी रही है। यानी उनका हाल मुशरिकीन मक्का का सा है कि बदर में जैसे उनसे हुआ, इल इंसानी, जब उस आदमी ने कहा कुफर कुफर कर, ठीक है, इल काला शैतान की मिसाल, शैतान की जवाब कहावत, जब उसने आदमी से कहा, एक आदमी से कुफर कुफर कर, इंसान निकफुर, इंसान से कहा कुफर कर, लम्मा काफरा, फिर जब उसने कुफर कर लिया तो काला शैतान ने कहा, इन्नी बेशक मैं बरी उन बरी हूं, मिन का तुझसे, मैं तुझसे बरी हूं। यानी पहले उसने खुद उसे कहा कि तू क्या कुफर कर, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदावत रखने और कुफर करने का, कि जिल्लत और रुसवाई के साथ हलाक किए गए, उनका जो यहाँ जिक्र है कि बदर में जैसे उन्हें हलाक किया गया, तब उसने, शैतान ने उनसे कहा कुफर कर, जब उसने कुफर किया तो वो कहता है मैं बरी हूं तुझसे, इन्नी बेशक मैं अकाफू खौफ रखता हूँ अल्लाह, अल्लाह का, रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। ऐसे ही मुनाफिकीन ने यहूद बनी नुदैर को मुसलमानों के खिलाफ उबारा, जंग पर आमादा किया, उनसे मदद के वादे किए, और जब उनके कहे से वो आले इस्लाम से बरसरे जंग हुए तो मुनाफिकीन पीठ फेर कर उनका साथ ना दिया और भाग गए। जैसे जो है वो शैतान ने काफिरों से कहा था गज़वा बदर में कि तुम जो है वो कुफर करो और ये काम करो, और जब मामला ऐसा हुआ तो वो क्या भाग गया। पस होगा उन दोनों का अंजाम, अन्नहुमा फिन्नार, कि वो दोनों आग में होंगे, खालिदैनि फीहा, कि वो हमेशा इसमें रहेंगे। कौन? ये मुनाफिक भी और उसके साथ काफिर भी, और यह क्या है, ये इंसान जिससे उसने कुफर का कहा, और खुद शैतान, ये इंसान जिसको उसने काफिर किया और शैतान, दोनों क्या है वो दोजख में रहेंगे हमेशा। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और ये ज़ालिमों की सजा है, ज़ालिमों की यही सजा है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इन चीजों को एड्रेस किया और बताया कि मुनाफिकीन का क्या हाल था, और उस वक्त बनु नुदैर वाले जो साजिश करते थे मुसलमानों के खिलाफ
और उनको जो है मुनाफिकीन ने भी किया, वो क्या उनके साथ मिलकर साजिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एट द एंड जो है मुसलमानों का रोग उनके दिल में डाल दिया, तो ऐसा रोग डाला कि वो वहां से जो है वो सब कुछ माल और असबाब छोड़ के भाग गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।